हमने दिल्ली में बहुत वेन्यू देखे थे, पर हमने जब ब्लिंक को देखा ना तो उसका ऑरा एक अलग था। मेरा नाम राजेश है और हम लोगों ने ब्लिंक में मेरे ब्रदर का सगन का फंक्शन किया था। सबका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, सब लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, सबको खाना बहुत अच्छा लगा, सबको वेन्यू बहुत अच्छा लगा, ईच एंड एवरीथिंग वॉज वेरी गुड। डेकोर तो अपने आप में ब्लिंक का तो एकदम अलग ही है, उसका जो है बार का सेटअप बना हुआ है, जो वहाँ की वाइब्स बनी हुई हैं, जो वहाँ का उन्होंने थीम बना रखा है क्लब थीम, वो तो अमेजिंग है। और ये मेरे ख्याल से दिल्ली में बहुत कम जगह, एक आध जगह ही है अगर ऐसा कुछ है तो। मैं आपको सच बोलूँ तो मतलब हमने दिल्ली में बहुत वेन्यू देखे थे, पर हमने जब ब्लिंक को देखा ना तो उसका ऑरा एक अलग था, उसका जैसा हमें कुछ वेन्यू दिखाई नहीं, तो फिर हमने नो डाउट ब्लिंक को सिलेक्ट किया। मतलब किसी को अगर कोई भी पार्टी करनी हो, मतलब डिस्को थीम मनाना हो या कोई भी क्लब टाइप की पार्टी करनी हो, उससे बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से कोई नहीं हो सकता। आप वेन्यू पे पहुंचने के लिए आपको कहीं से यू टर्न लेफ्ट टर्न लेने की जरूरत नहीं है, मतलब ये एकदम ऑन रोड है। आप दिल्ली से स्ट्रेट अलीपुर वाली रोड पे चलेंगे तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा, तो इसके लिए आपको कोई यू टर्न, कोई राइट टर्न, कोई टर्न लेने की जरूरत नहीं है। आप ऑन रोड ही इजीली वेन्यू तक पहुँच सकते हैं। मतलब वो आपका एक लोगो है ना, लाइफ इज़ अ पार्टी, तो मतलब ब्लिंक इज़ अ पार्टी है यार, जिसको पार्टी करनी है ब्लिंक इज़ बेस्ट वेन्यू मेरे हिसाब से, गो फॉर इट।